नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 5 जनवरी है और हम बात करेंगे आने वाले दिनों में राजस्थान में एक नए सक्रिय पश्चिम विक्षोभ की। सबसे पहले यदि वर्तमान पोजीशन पर एक नजर डालें तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में यानी कि शुरुआत से ही राजस्थान में घने कोहरे और सीवियर कोल्ड डे की परिस्थितियां दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में भी देखें तो केवल जोधपुर और उदयपुर संभाग को छोड़कर सभी स्थानों पर घना कोहरा। इसके अलावा तापमान की यदि बात करें तो तापमान भी ज्यादातर इलाकों पर दिन का अधिकतम तापमान औसत से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान ज्यादातर स्थानों पर 6 डिग्री से ऊपर है। केवल शेखावाटी क्षेत्र में फिलहाल 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कहीं कहीं कोल्ड वेव की परिस्थिति भी बनी हुई है। लगातार जारी सीवियर कोल्ड डे और डेंस फॉग की परिस्थितियां अभी भी अगले 1-2 दिन और जारी रह सकती है, जो कि अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा और कुछ एक इलाकों में अभी भी अगले 24 घंटों तक प्रातः के समय वेरी डेंस फॉग और अभी भी दिन का जो तापमान है वो औसत से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे अगले 2 दिनों तक और रहने की संभावना है। इसके अलावा 7-8 जनवरी से राजस्थान में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और इस सिस्टम के असर से राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां होने की प्रबल संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 5 जनवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, आप देख सकते हैं इसमें वर्तमान पोजिशन, इसके अलावा जो कोहरा, सीवियर कोल्ड डे और बारिश की गतिविधियों के बारे में डिटेल में विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो जो नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय होगा उसका असर मुख्य रूप से 7 जनवरी से देखने को मिलेगा। 7 जनवरी को खासकर जो दक्षिणी राजस्थान के हिस्से हैं यानी जो कोटा संभाग के जो इलाके हैं, इसके अलावा जो उदयपुर संभाग के जिले हैं, इनमें इस सिस्टम का असर शुरू प्रभावी होगा। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। हालांकि 7 जनवरी को शेष जो इलाके हैं, चाहे बीकानेर संभाग है, जोधपुर संभाग है, जयपुर भरतपुर संभाग में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि आप देखेंगे जैसे जैसे सिस्टम सक्रिय होगा तो तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और फिलहाल जो कोल्ड डे और वेरी डेंस फॉग की जो परिस्थिति है उससे कुछ राहत मिलने की संभावना है। सिस्टम का जो मुख्य असर राजस्थान में होगा वो 8 और 9 जनवरी को होगा। आप मैप पे भी देख सकते हैं कि ज्यादातर इलाकों में सिस्टम का असर जो है वो देखने को मिलेगा। ये बारिश का पूर्वानुमान दिखाया गया है। इस दौरान बीकानेर संभाग के इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के चांसेस है। खासकर जो ज्यादा असर है वो उदयपुर, अजमेर, जयपुर, इसके अलावा कोटा संभाग और शेखावटी क्षेत्र में 8 जनवरी को विशेष रूप से थंडरस्टॉर्म यानी मेघ गर्जन और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। इस दौरान इसका असर देखने को मिलेगा। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना बन रही है यानी 8 जनवरी को इसका मेन इंपैक्ट रहेगा और ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम। देखें तो ये सिस्टम धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट राजस्थान की ओर यानी शेखावटी और भरतपुर जयपुर संभाग की ओर खासकर प्रभावी होगा। इस दौरान इन्हीं संभाग के इलाकों में यानी उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और बारिश के ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। बीकानेर संभाग में भी देखेंगे तो 9 तारीख को कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होगी। हालांकि साउथ राजस्थान के जो इलाके हैं बाड़मेर, जैसलमेर और जो उदयपुर संभाग, यहाँ पे इसका असर धीरे धीरे खत्म नहीं की। तो आप देखेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में सीवियर कोल्ड डे और वेरी डेंस फॉग की वार्निंग अभी भी जारी है। 6 जनवरी को देखिए नॉर्थ राजस्थान में अभी भी कहीं कहीं डेंस फॉग और कहीं कहीं कोल्ड डे की परिस्थितियां कंटिन्यू रहेंगी। हालांकि जो साउथ राजस्थान के इलाके हैं इनमें ऐसा कोई वार्निंग का सिचुएशन नहीं है। 8 जनवरी को ये ओलावृष्टि, थंडरस्टॉर्म और हेल स्टॉर्म होने के लिए पॉसिबिलिटी है जो मैप में दिखाया गया है, तो खासकर साउथ राजस्थान के इलाकों में इसका असर रहेगा। और 9 जनवरी को जैसा मैंने बताया सिस्टम का इम्पैक्ट जो है खासकर जो है वो नॉर्थ राजस्थान की ओर। अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है डेंस फॉग और कोल्ड डे की, ये अगले 24 से 48 घंटों तक इसमें कमी आएगी और जो नया पश्चिम विक्षोभ है वो 7 को सक्रिय होगा और 8 और 9 जनवरी को इसका खासकर राजस्थान के कई इलाकों में असर होगा। किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों के ध्यान में रखते ही कृपया करके ये सलाह दी जाती है कि जो छिड़काव या रसायन किसी प्रकार का यदि स्प्रे करना है तो बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखकर भी करें। विज्ञान केंद्र जयपुर से अधिक जानकारी के लिए कृपया अपडेट रहें। थैंक यू।